अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ठीकरी में कुत्तों की टोली से ग्रामीण परेशान। नगर में हो रहा आवारा कुत्तों का जमावड़ा, 20 से अधिक कुत्तों की टोली घूम रही मार्गों पर, ग्रामीणों को हो रही असुविधा, दो पहिया वाहन भी हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। ग्रामीणों ने की कुत्तों को नगर से उठवाने की मांग। ठीकरी तहसील अंतर्गत ग्राम बरू फाटक में मार्गों पर 20 से अधिक कुत्तों की टोली घूम रही है, जिससे राहगीरों के साथ ग्रामीणों को हो रही असुविधा। श्वानों में फैल रही बीमारी, बीमार श्वान भी लोगों के घरों में जा गंदगी फैला रहे हैं। वहीं नगर में काफी बार श्वानों के द्वारा नगर वासियों को काट कर घायल भी किया जा रहा है। श्वानों की टोली से नगर वासी परेशान हो चुके हैं, साथ ही साथ शाला आते जाते बच्चे भी डरे सहमे से मार्ग से गुजर रहे हैं। मार्ग से गुजरने वालों पर भी श्वानों के द्वारा जोर जोर से भूका जाता है, जिससे नगरवासी व राहगीर सहम जाते हैं। नगर के सरपंच भारत मुजालदे ने बताया कि पंचायत के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे श्वानों को पकड़ के दूर भिजवाया जा सके। वहीं बताया बरू फाटक नगर हाईवे से जुड़े होने के चलते यहां अन्य क्षेत्रों से वाहनों में श्वानों को लाकर नगर में छोड़ दिया जाता है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। नगर की सुरक्षा को लेकर जो भी संभव हो प्रयास किया जाएगा। जी मैम, हमारे यहाँ पर 20 से 25 आवारा कुत्तों की टोली घूम रही है, जिनके कारण कि कुछ बाइक सवार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कुत्तों में भी बीमारियाँ फैल रही है और कुछ व्यक्तियों को उन्होंने हानि भी पहुँचाई है कुत्तों के द्वारा और गंदगी फैला रहे हैं। और प्रशासन से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उन्हें बाहर के कहीं और छोड़ा जाए पकड़। अपने यहाँ बरू फाटक में क्या 4 लाइन हाईवे जो बाईपास निकला हुआ है, वहाँ पर कहीं से एक दो लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया कि यार कोई नगर पालिका गाड़ी आती है, ट्राली आती है, ट्राली में भर के कुत्ते वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ग्रामीणों का कहना है, हम खुद परेशान हैं कुत्तों से, फसलों का भी नुकसान हो रहा, आए दिन मोटरसाइकिल वालों को भी पीछे दौड़ते हैं, एक दो मोटरसाइकिल वाले गिर भी गए हैं कुत्तों के कारण। तो उसमें उनकी कोई चौकीदारी नहीं कर पा रहे हम कि यार कोई आ रहा छोड़ने या फिर उनको हम इस बात पे पकड़े। सर, अभी जो नगर में करीब 25 से 30 श्वानों की तादाद देखी जा रही है, उनके लिए अभी कुछ व्यवस्था करवाई जा सकती है? कुछ में कुछ बीमारी भी फैली हुई है। देखो, बीमारी के लिए तो हमने डॉक्टर को एक बार बता भी दिया है, बाकी पकड़ने की या उनको कहीं ले जाने की, शिफ्ट करने की ऐसी कोई ग्राम पंचायत में व्यवस्था नहीं है। नगर में कुछ इन ग्रामीणों को इनके द्वारा हानि भी पहुंचाई गई थी, कुछ को काटा भी गया था और पूर्व में भी काफी लंबी हानि पहुंची थी कुछ ग्रामीणों को इनकी वजह से, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, आप वो तो कोई ऐसी व्यवस्था ग्राम पंचायत में फिलहाल है नहीं। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि अगर ऐसे कुछ हादसा होता है तो तुरंत पहुँच के हॉस्पिटल उन्हें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे इलाज उनका संभव हो सकता है। वो बीमारी वाले कुत्तों, उनको भी एक दो कुत्तों को मैं पकड़ के डॉक्टर साहब को बोल के उनका इलाज करवाया है। अभी इनको पकड़ाने के लिए कोई व्यवस्था पंचायत के द्वारा? अभी तो पंचायत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ना ट्राली है, ना ही पकड़ने वाले कोई सुपर वगैरह है। क्या आप आगे इसको लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, आगे वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे। बरू फाटक से हमारे पास पहले भी सूचनाएं आई थी और उन सूचना के उपरांत मैं स्वयं बरू फाटक ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर के मैं वहाँ गया था, उपस्थित भी हुआ था, वहाँ के सचिव को भी बुलाया था और संबंधित वेटनरी जो डॉक्टर है उसको भी हमने बुलाया था। और बुला करके हमने ये कहा था कि यदि ऐसे श्वान हैं जिससे बीमारी फैलने की संभावना है या जिससे ग्रामीण परेशान है, वो संबंधित ग्राम पंचायत के माध्यम से ऐसे श्वान को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद में आगामी जो भी डिपार्टमेंट के अनुसार जो निर्देश है उसकी कार्रवाई करें। पर चूँकि आज आप पुनः मुझे बता रहे हैं कि ये वहाँ पर इस तरीके की समस्या है, तो मैं आज पुनः वेटनरी डॉक्टर और संबंधित ग्राम पंचायत जो सचिव है उसको बुलाता हूँ और आगामी इसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, किस तरीके से उसको उस श्वान को या कहीं रिप्लेस करना या वहाँ से हटाना है, जो भी है कार्रवाई, वो कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। ऐसा नगर में काफ़ी लोगों को उनके द्वारा नुकसान भी पहुँचा है, मतलब जो लोग निकलने वाले हैं, राहगीर हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशान किया जा रहा है, तो इसे लेकर अब क्या किया जाएगा? चूँकि जो भी इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो लोकल बॉडी की जिम्मेदारी रहती है, वहाँ की ग्राम पंचायत की, वो ग्राम पंचायत को और संबंधित वेटनरी जो डॉक्टर है
उन दोनों को ही मिलकर के इसका हल निकालना पड़ेगा, और इसके लिए मैं उनको पुनः अभी यहाँ पे बुलाऊंगा और आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे। जी सर, डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, ठीक है।